बाहुबली है, केजीएफ, अभी रिसेंटली सायरा मूवी भी मतलब बहुत बिग बजट पे बिग स्केल पे पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई है. तो जैसे कि अभी ममंगम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं मूवी को? सी मामांगम एक रियल स्टोरी है. मामांगम केरला की हिस्ट्री है, मामांगम हमारी इंडिया की हिस्ट्री है. तो मैं इनको बाकी फिल्मों से कंपेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमने मामांगम की शूटिंग की है वो मेनली रियल सेट्स पे की है. हमने उसमें बहुत ज़्यादा ओवर द बोर्ड एक्शन नहीं दिखाया है. जैसे हमारे प्रोड्यूसर ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि वहाँ पे एक एरो जब मारा जाए, एक तीर जब मारा जाता है, वो 10 में कन्वर्ट नहीं हो रहा. ऐसा नहीं दिखाया है हमने मामांगम में. मामांगम में काफ़ी रियल हमने रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है. सो यही एक मेजर डिफरेंस है उन फिल्मों में और हमारी फिल्म में. हालांकि जो आप एक्शन देखेंगे वो बहुत ही बड़े लेवल पे शूट किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कलरी पट्टू जो कि बहुत ही फेमस एक मार्शल आर्ट है, केरला में है. बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स फ्रॉम दीपिका पादुकोण टू शाहिद कपूर टू रणवीर सिंह, ऑल ऑफ देम हैव लर्नड कलरी पट्टू फ्रॉम द सेम मास्टर जिन्होंने हमारी फिल्म में जिन्होंने ट्रेन किया है बच्चों को और लोगों को. सो इस तरीके से हमारी फिल्म दूसरी फिल्मों से अलग है, और मामांगम को उन फिल्मों से कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिल्म 100 करोड़ प्लस बजट की थी. मलयालम फिल्म बहुत छोटे बजट की फिल्में मानी जाती हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मॉलीवुड की कोई फिल्म इतने बड़े लेवल पे बन रही है और 4 languages में रिलीज़ हो रही है. पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. सो हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखने चाहिए. हम सब बहुत पॉजिटिव हैं कि जो एक अच्छी रियल स्टोरी है, बहुत एक सेंसिबिलिटी से मॉलीवुड फिल्में बनाई जाती हैं. बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं होता उन फिल्मों में. कॉन्टेंट ओरिएंटेड होती हैं मलयालम फिल्म्स. सो वो नज़र में रखते हुए व्यूअर्स और मीडिया एंड क्रिटिक्स को यू नो पिक्चर देखनी चाहिए. बाहुबली से कंपेयर करना आई डोंट थिंक इट वुड बी डूइंग अ जस्टिस टू बोथ द फिल्म्स.